हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसिक विचार के ऊपर। मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिस वजह से कई सारी ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। फिर हम दोष देते हैं कि यह व्यक्ति क्रिमिनल है, यह व्यक्ति गंदा है। ये गंदा व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति गंदा नहीं होता है, बल्कि गंदे उसके विचार होते हैं और यही विचार जो है उससे गलत काम करवाता है। जब आप किसी भी विचार को कंटिन्यू एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आज समाज में ऐसे लोग हैं जो कि गलत वीडियो बनाते हैं, गलत कंटेंट बनाते हैं। गलत कंटेंट बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि उन्हें मालूम है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार है और कमज़ोर है, और उन्हें इसी तरह की वीडियो चाहिए जिनके पास ज्ञान और विवेक नहीं है, जिन्हें सिर्फ दो ही चीज़ नज़र आती है, सेक्स और भूख। दो चीज़ें ही उन्हें समझ में आती है कि भूख के लिए क्या किया जाए, चोरी चकारी किया जाए या कमाया जाए या क्या किया जाए, और दूसरा सेक्स, जिससे करने के लिए किस विधि से काम किया जाए, क्या समाज में इसे गलत तरीके से धारण कर लिया जाए या फिर इसे सही तरीके से एक सात्विक व्यक्ति के अनुसार किया जाए, राजसिक व्यक्ति के अनुसार किया जाए, किस तरह से किया जाए। ये सारे जो चीज़ें हैं उन वीडियो बनाने वालों को मालूम होता है, उन सभी लोगों को मालूम होता है कि कैसे इन लोगों को जाल में फंसाया जाए और उनकी वीडियो चलेगी, वह लाखों रुपया कमाएंगे। क्या आपको लगता है कि गलत वीडियो बनाने वाले गलत हो सकते हैं? गलत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि अवसर का फ़ायदा उठाना। और अवसर का फ़ायदा कैसे उठता है? अवसर का फ़ायदा ऐसे उठता है कि वे लोग सर्वे करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को ये बात मालूम है कि गंदे कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा चलते हैं। आज आप गंदे कंटेंट पे फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत सारे जगहों पे सोशल मीडिया जो लिंक है वहाँ पे आपको इस तरह की वीडियो मिल जाते हैं, और लोग सबसे ज़्यादा इंगेज इसी में रहते हैं। और ख़ासकर तो वृद्ध लोग, बुज़ुर्ग लोग, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वह समाज की, सोसाइटी को, लोगों को, अपने बच्चों को, आसपास के बच्चों को सुधारें, लेकिन वह मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में गलत कंटेंट देखते रहते हैं और इस तरह की मेंटलिटी को वो बना लेते हैं कि जब उनके सामने से कोई स्त्री गुजरती है या स्त्री आती है या लड़कियाँ आती हैं तो वह उसी दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, भले ही वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह कुछ भी सही बात कर रहे हों, वह कुछ भी आपके साथ हंस मजाक रहे कर रहे हों, लेकिन फाइनली उनका जो सोचने का जो पैटर्न होता है वो गलत ही होता है। वह गलत दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, अपने आँखों को पोषण दे रहे होते हैं, मन को पोषण दे रहे होते हैं, और जब मेंटलिटी कमज़ोर हो जाती है, जब आपके अंदर कामुकता और उत्साह बहुत तीव्र हो जाता है और आपको वह चीज़ नहीं मिलता है, तब आप यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास था क्षमता सोचने का, वो तो आप इस मेंटेलिटी की वजह से ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, कामुकता, और इस कामुकता को ख़त्म करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो है वह क्राइम तक को अंजाम दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये तो व्यक्ति घटिया था, ये था घटिया जो है वह सोशल मीडिया के लिंक होते हैं जो कि लोगों के लिए ठीक नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। जब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।